में आपको जो दिया था, कौन से बच्चे को कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है बताइए। क्वेश्चन 5 कैसे है? मैं तो सुनाई नहीं दे रहा। सर 15 नंबर। 15। ओके, फिर दूसरा 1 से 5 में बताइए। चलो क्वेश्चन 5 का 1 से 5 में किसी को डाउट है तो चलो बोलिए। डाउनलोड डॉक्टर नाम डॉक्टर करने बच्चों 1 to 5 की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन 5 का 1 to 5 में किसी को डाउट है तो नाम बोलिए, मुझे डाउट है तो पता चले। पक्का नहीं है? अगर 1 to 5 में नहीं है तो फिर 6 to 10 में बताइए। 1 to 5 नहीं है अगर किसी बच्चे को डाउट तो 6 to 10 के लिए बताइए। 6 to 10 में अगर किसी को डाउट है So doing a super ball. चलो सीरियल नंबर, और यहाँ पर हम लिखते हैं नेम ऑफ अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, अमाउंट रुपीज एंड रीजन, ये है सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, अमाउंट रुपीज, रीजन। चलो बच्चों, अब 6 to 10 के अंदर किसी को डाउट है तो बताइए। हाँ बच्चों, चलो बोलिए तो मुझे पता चलेगा ना। 6 to 10 सर, क्वेश्चन एट फाइव कौन वाले में डाउट है। एट सा बेटा? नंबर 8। ओके, तो चलो मैं 8 करवा रहा हूँ। चल बेटा 8 वाला क्वेश्चन पढ़। विड्रॉ 22,000 फ्रॉम बैंक। तो सर एक सेकंड, यही सर। क्वेश्चन 5, पेज नंबर 5050, 8, विड्रॉ रुपीस 22,000 फ्रॉम अ बैंक। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटे? तो पहले मतलब समझो। सर आप बैंक में गए, चाहे कैश कैशियर के पास गए या एटीएम में गए, एटीएम डाला, वो एटीएम कार्ड हमारा होता है वो डाला, पिन नंबर डाला, अमाउंट लिखा 22,000, क्लिक किया, बटन दबाया, मशीन ने पैसा काउंट करना स्टार्ट किया और डिब्बा खुला और 22,000 रुपये निकल गए आपने लेके गिन के जेब में डाल दिए। ये घटना घटी है।
आप बैंक में गए हो और बैंक से 22,000 विड्रॉ करके अपनी दुकान में लेके आए हो, ठीक है? वो अब सबसे पहले बेटा मुझे बता, ट्रांजेक्शन कैश है या क्रेडिट है? कैश है। ओके, कौन से दो अकाउंट आएंगे बेटा? एक कैश अकाउंट है और दूसरा दूसरा नहीं पता सर। बैंक अकाउंट आएगा। तूने पैसे कहाँ से विड्रॉ किए? बैंक में से विड्रॉ किए क्या? बैंक अकाउंट आएगा, ठीक है बेटा। अब मैं बात कर रहा हूँ कैश अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा आएगा? क्या हुआ बेटा? कैश अकाउंट, पर्सनल रियल नॉमिनल। बोलो बेटा, कैश अकाउंट पर्सनल। कैश बेटा, कैश 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 कैसे पर्सनल हुआ बेटा? कैश अकाउंट सर रियल। रियल। अब रियल अकाउंट का रूल्स बोल दे एक बार, रियल अकाउंट का रूल्स बोल दे एक बार। डेबिट पॉट कम्स इन, क्रेडिट पॉट गोज आउट। ओके, अब तूने क्या किया? तू बैंक में गया, एटीएम डाला, कैश कम्स इन हुआ ना? कैश कम्स इन, डेबिट। हाँ सर, ओके, बिल्कुल सही बोला, डेबिट 22,000। अरे वो पे विड्रॉ से समझ में नहीं आया था, पर अभी आ गया। बेटा बैंक अकाउंट बोलो, पर्सनल रियल नॉमिनल बैंक। पर्सनल। बिल्कुल सही बोला बेटा, पर्सनल। अब ये 22,000 बैंक ने तुझे पैसे दिए बेटा, तो बैंक रिसीवर हुई कि गिवर? गिवर, क्रेडिट। बिल्कुल सही, वाह, तुझे आता है बेटा। नहीं सर, मेरे को विड्रॉ से थोड़ी समझ में नहीं आया था बस। नो प्रॉब्लम, अक्सर बच्चों को यही होता है, सर समझाते तो जल्दी समझ में आ जाता है, अकेले बैठे होते तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करना है सर, क्या करना है, बट सर जैसे बोलते हाँ सर समझ में आ गया, याद आ गया। ओके, चलो अब क्वेश्चन 6 to 10 में अगर और किसी को कोई क्वेश्चन डाउट हो तो कहो, वरना 10 to 15 में बताओ। क्वेश्चन 10 टू 15 में किसी भी बच्चे को डाउट है तो चलो बताइए कि सर मुझे इसमें डाउट है। क्वेश्चन 10 टू 15 में सर 15। ओके, 15 का क्वेश्चन पर डिविडेंड रिसीव्ड ऑफ ₹2,000 थ्रू चेक, चेक डिपॉजिटेड विथ बैंक। Dividend received ₹2,000 through check and this check is deposited into bank, ठीक है? अब इसका क्या करना है? So, just a minute, इसका क्या करना है आपको समझाओ। अब देखिए बच्चों, ये डिविडेंड का चेक इस तरह से आता है, ये आपको दिखाने के लिए मैं ले आया। वो जो डिविडेंड वारंट होता है ना, तो डिविडेंड वारंट का चेक बच्चों इस तरह से आता है। यहाँ पर लिखा गया होता है किस तरह से, आपको नजदीक लाके मैं दिखाता हूँ, मैं का थोड़ा प्रैक्टिकल आपको बता दे। ये ले है, देखो देखो, ये बच्चों ये JSW करके कंपनी है, JSW स्टील, जिसके शेयर है मेरे पास। अब यहाँ पर एक ब्लड थोड़ा हो रहा है, लिखा है फोलियो नंबर, फिर हाँ देखो ये क्या लिखा है, नंबर ऑफ शेयर्स, ये वारंट नंबर, अरे अमाउंट कितने है, 140 अमाउंट, ठीक है? ये उन्होंने मुझे काउंटर फॉल दिया है कि भी मुझे इसका, अब ये दिया मुझे देखो ₹140 का चेक,
ये ठीक है। तो ये जो तो होता है ना 140 रुपीस आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह का देखो लिखा JSW कंपनी, जो उसका जो लिखा साजन जिंदाल चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये इस तरह से डिविडेंड का चेक आता है ठीक है। अब मैं इस चेक को करूंगा क्या बच्चों, अब इसको मेरे घर पे रखूंगा तो कुछ होना नहीं है। मुझे अगर 140 रुपीज रिसीव करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस चेक को बैंक में, जैसे कि बैंक में जाके डिपॉजिट कर देना है। अब बैंक क्या करेगा, बैंक वहां जाके ये पैसे कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में डाल देगा। बट एट प्रेजेंट ये चेक मैंने कहां डिपॉजिट किया, बैंक के अंदर डिपॉजिट किया। अब इसके अंदर बच्चों समझ में आया, इस तरह का डिविडेंड का चेक आता है हमारे घर पे, ये बाय पोस्ट आया, कहता हूँ तो पोस्ट का कवर भी दिखाऊं, कवर के अंदर ये आया था कुरियर में। तो और ये जो चेक इसे ही आता है एवरेज। अब मुझे क्या करना होता है, मुझे जो होता है इसको इसे फाड़ देना है, और वो फाड़ने के बाद ये जो चेक है वो चेक मुझे बैंक में डिपॉजिट कर देना है ठीक है। तो अब इसका आगे क्या करना है वो आपको समझाऊं। दो अकाउंट आएंगे इसमें, डिविडेंड अकाउंट आएगा और दूसरा चेक यानी कि बैंक अकाउंट आएगा ठीक है। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूं इसका आंसर किस तरह से हमें करना है। डिविडेंड अकाउंट एंड अ बैंक अकाउंट, डिविडेंड एंड बैंक। चलो बेटा बता दो, डिविडेंड अकाउंट डिविडेंड रिसीव्ड है तो कौन सा आएगा, पर्सनल रियल नॉमिनल। सर रियल। बेटा वापस बोल रहा हूँ, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव का नॉमिनल आएगा, वापस बताओ सर नॉमिनल आएगा। यस नॉमिनल, कुछ याद है, रिसीव का मतलब इनकम, इनकम का मतलब नॉमिनल, नॉमिनल आएगा। ओके अब डिविडेंड रिसीव्ड है, ये क्या लिखा है रिसीव, तो रिसीव का मतलब इनकम। यहां लिख रहा हूं डिविडेंड इज एन इनकम। ओके नॉमिनल का रूल्स बताओ बेटा, नॉमिनल का रूल्स बोलो। चलो बेटा बोलो नॉमिनल का रूल्स क्या है। चलो और किसको आता है, प्राची नॉमिनल का रूल्स आता है तो बोल दे बेटा, प्राची नॉमिनल का रूल्स। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बिल्कुल सही बोली। अब बेटा प्राची इनकम हो गया तो क्या करूंगा, इनकम क्रेडिट। अरे वाह वेरी गुड, कितना 2000। प्राची बैंक अकाउंट, पर्सनल रियल नॉमिनल, पर्सनल। ओके पर्सनल, हाँ। अब बैंक अकाउंट, तो प्राची ये चेक मैंने क्या कर दिया, चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक क्या हुई, चेक रिसीवर हुई कि गिवर। रिसीवर। यस डेबिट। यस 2000 बिल्कुल सही। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिंपली पर्सनल रियल नॉमिनल तीन रूल्स को ही फॉलो करना है, नथिंग एल्स। ओके बच्चों अब बात करते हैं इसके बाद में 16 टू 20 में, किसी बच्चे को क्वेश्चन डाउट हो तो बताओ 16 टू 20। अरे 18 वाले में, 18 वाला। ओके वेजेस पेड 300, कितना
बीजी स्पेड 800, चलो ट्रांजेक्शन कैश है या क्रेडिट है? सर कैश है। ओके कौन से दो अकाउंट आएंगे? एक तो कैश ट्रांजेक्शन बोला मतलब कैश अकाउंट आएगा, दूसरा बेटा दूसरा कौन सा अकाउंट आएगा बोलो? पेजेस। दूसरा बीजीस अकाउंट। अब बेटा बता कैश अकाउंट फर्स्ट मंथ प्रीमियम नॉमिनल रियल रियल ये तो अच्छा ही है यार ये तो क्या है अच्छा बोला ये बता तू पढ़ेगी हाले ले ले जा जा ले ले जा ये हाले ले कैसे हेलो हेलो आदित्य आदित्य हेलो आदित्य यहाँ से बोल रहे बेटा बस ये रहा ये मोबाइल से बोल रहे हेलो सुना बच्चों टाटा कह रहा है बोले सबको टाटा टाटा आने में भी क्या हुआ बीजी स्प्रेड? आप बीजी स्प्रेड करोगे तो क्या होगा बताएं? कैश गोज आउट, कैश goes out, debit what comes in, credit what goes out, cash goes out मतलब credit और wages account, personal, real, nominal कौन सा? sir debit नहीं होगा cash goes out, तो credit ही बोला ना, wages paid क्या? debit कैश का रूल्स कैश किस में आता है? रियल रियल अकाउंट रूल्स क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट, कैश कम्स इन है तो डेबिट करेंगे, कैश गोस आउट है तो क्रेडिट करेंगे, आपने पेड किया तो कैश गोस आउट तो क्रेडिट ही होना है, इससे जा रहे हैं रूल्स क्या? रियल अकाउंट का रूल्स डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर कम्स इन है तो डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट गोस आउट है तो क्रेडिट करो, cash goes out तो होगा credit, तू भी आएगी। चलो wages, personal, real, nominal, nominal sir amount 300 है। हाँ wages is business expense, और एक्सपेंस ऑलवेज क्या होते हैं? डेबिट होते हैं बच्चों, लाइक दिस। ओके
चलो ये हो गया हमारा ग्रेड 20 तक। अब किसी बच्चे को डाउट हो तो बताइए कि सर हमें 1 से 20 में या क्वेश्चन 4 में भी अभी भी किसी को कोई डाउट या कुछ भी कहीं कुछ डाउट ऐसा लगे तो शॉर्ट मुझे बताइए। चलो बच्चों सर 19 वाले में 19 वाले में ओके पेड लोन इंटरेस्ट 350 ओके चलो पेड लोन इंटरेस्ट 350 paid loan interest rupees 350 to be ID should you should you as ali lo bhai de dusra aaya paas chala bhai ele chal bol de sabko hello hello aditi देख अब तो तुझे सब जानते हैं अदिति को कि अदिति है वो आदित्य है सब जानते हैं तुझे हाँ सु चल डांस करो बेटा डांस बताए हाँ देखो डांस कर ही आता है डांस कर दे डांस कर दे अदिति डांस बोलो आता है हमको भी नहीं आता ऐसे ऐसे करना तो उसको आता है चल अदिति डांस कर दे डांस बस तो बेटा चलो बच्चों अपने लोन इंटरेस्ट 350 आपने कहा अब एक चीज तो आपको आपको पता लग जानी चाहिए पेड का मतलब पेड़ का मतलब ट्री होता है नहीं पेड़ का मतलब एक्सपेंस होता है पेड़ का मतलब एक्सपेंस होता है चलो कौन से दो अकाउंट आएंगे बच्चों बताओ कैश अकाउंट यस कैश अकाउंट एंड दूसरा लोन इंटरेस्ट अकाउंट यस लोन इंटरेस्ट अकाउंट चलो कैश अकाउंट पर्सनल रियल नॉमिनल कैश रियल ओके आपने इंटरेस्ट पेड किया इंटरेस्ट पेड करोगे तो कैश कम्स इन की गोज आउट गोज आउट बुद्धू हो रहा है ना कच्चा चल रहा कैश गोज आउट डेबिट वॉर्ड कम्स इन क्रेडिट वॉर्ड कैश गोज आउट तो क्या होगा क्रेडिट Credit 350 चलो लोन इंटरेस्ट कौन बच्चा बताएगा पर्सनल रियल नॉमिनल लोन इंटरेस्ट यानी कि आवाज आ पर्सनल नॉमिनल नॉमिनल ओके आपने इंटरेस्ट पेड किया है तो आपका इनकम हुआ कि एक्सपेंस एक्सपेंस Yes, loan interest is expense. The expense is क्या होगा debit या credit? Debit. 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 इस तरह से. Okay बच्चों, तो अब बताइए 20 जो क्या बोलते हैं 1 to 20 में कोई भी question doubts है तो बताइए. ठीक है अगर किसी बच्चे को डाउट नहीं है तो ध्यान से सुनिए आगे मैं क्या कहने जा रहा हूँ जो पनिशमेंट पनिशमेंट पापा अरे यार तो पनिशमेंट अरे यार तो अपना अपने याद नहीं दिलाया थर्सडे फ्राइडे तो मैं स्टेट करवाता हूँ ना स्टेट करवाना था ओके ठीक है अभी अकाउंट करवाई है तो नो प्रॉब्लम कल स्टेट ले लेंगे अब सुनो यहाँ पर देखो लेसन नंबर 2 जो हमारा है वो कंप्लीट होता है और लेसन नंबर 3 जनरल जो है उसके बारे में मुझे आपको थोड़ा समझाना है तो पहले मैं थोड़ा बहुत आपको समझा रहा हूँ लेसन नंबर 3 जनरल के बारे में फिर उसके बारे में आगे बढ़ेंगे अब लेसन नंबर 2 जो हमारा है तो इसके अंदर अगर किसी को कोई डाउट या कुछ क्वेरी हो तो मुझे कहिए
लेसन नंबर 2 के अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो वरना मैं फिर लेसन 3 जनरल्स पे जाता हूं। बच्चों कोई क्वेरी डाउट है लेसन 2 में? नहीं सर। तो चलो लेसन 3 जनरल के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ। जनरल में क्या होता है, जो इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन है वही रिकॉर्ड होते हैं, नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड यहाँ नहीं होते हैं। अब जनरल है क्या? जनरल बुक इज फंडामेंटल बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। क्वेश्चन पूछते हैं विच बुक इज फंडामेंटल बुक ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का कौन सा बुक फंडामेंटल बुक है? तो रिमेम्बर जनरल बुक, अ जनरल बुक इज अ फंडामेंटल बुक ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इट इज सच अ बेसिक फंडामेंटल बुक ऑन द बेसिस ऑफ विच रिमेनिंग बुक्स आर प्रिपेयर। एक ऐसी बुक्स के जिसके बेसिस पे बाकी की सारी बुक्स सब प्रिपेयर होती है। फ्रेंच वर्ड कौन सा वर्ड? फ्रेंच वर्ड जर, J-O-U-R जर। फ्रेंच वर्ड J-O-U-R जर मींस अ डे। French word J-O-U-R means a day, from which the word general is derived. So from where general is derived, general words कहाँ से derive हुआ है? French word jar. From where general word is derived? General word is derived from French word J-O-U-R jar. Jar means a day. Now meaning of which is daily recording of business transaction, Aditya? Means daily recording of business transaction. तो जर का मतलब डे होता है, जनरल का मतलब होता है daily recording of business transaction. The English word general is originally of Latin language. English word general जो था basically Latin language था, and the meaning of it is a note or a diary. So Aditya, go outside. But mama nahi aao to bar. Go outside. The meaning of it is a note or a diary. मतलब जो general English general word जो है originally Latin language का था और जिसका मतलब था meaning of a note or a day or a diary. So general book is also known as book of original entries. General book is also known as book of original entries. And it is such a book of accounts where all accounting transactions are recorded in the order of date. In the order of a date. It is also determined which account will be debited or credited with what amount. Transactions are first recorded here with brief explanation. कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो सबसे पहले यहाँ जनरल बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, बाद में दूसरी जगह पर। फ्रॉम रफ बुक, अब रफ बुक क्या है? रफ बुक मतलब जहां पर आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो। ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर, अब रफ बुक जो होती है, रफ बुक मतलब एक नोट डायरी जहां पर आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो। सो ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर यानी कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ उसका सपोर्टिंग एविडेंस जिसे हम वाउचर कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जनरल बुक। वाउचर आर मेंटेन इन द फाइल इन द ऑर्डर ऑफ डेट। वाउचर्स क्या होते हैं? एक फाइल बनाते हैं। अब वो फाइल जो होता है फाइल में वाउचर नंबर 1, 2, 3, 4 डेट वाइज और वाउचर नंबर वाइज अरेंज करके फाइल में रखते हैं ताकि कभी भी रिक्वायरमेंट हो तो
after having entry in general book, different accounts are prepared and posting is made. सबसे पहले जनरल एंट्री में लिखना है, जनरल एंट्री में लिख दिया, फिर उसका लेजर पोस्टिंग अलग अलग अकाउंट में करना है जो आगे आपको पढ़ना है. ऑन द बेसिस ऑफ इट विद द बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स आर एसर्टेन. लेजर पोस्टिंग में से आप सारे अकाउंट के बैलेंस निकालते हो, बैलेंस निकालने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में आप बनाते हो फाइनल अकाउंट, और जिसमें बनाते हो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट और नेट प्रॉफिट आप ढूंढ लेते हो. So, the general book is the original book, fundamental book or first book of account. अब ये लाइन आप सबको याद रखनी है. कौन सी? वापस रिपीट करता हूं. General book is the original book, is the fundamental book or is the first book. Which book is the original book, fundamental book or first book? General, याद रखना. Which book is the original book, fundamental book और फर्स्ट बुक? जनरल इज द ओरिजिनल बुक, फर्स्ट बुक और फंडामेंटल बुक. नाउ कैरेक्टर ऑफ जनरल बुक. सो जनरल बुक के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक तो ओरिजिनल बुक है, मतलब द वेरी फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन जनरल, एंड द जनरल इज एन ओरिजिनल और फंडामेंटल बुक. ड्यूल इफेक्ट. अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल, ड्यूल इफेक्ट आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन. टू कॉलम्स फॉर अमाउंट. जनरल के अंदर अमाउंट के लिए दो कॉलम होते हैं, एक डेबिट अमाउंट के लिए, दूसरा क्रेडिट अमाउंट के लिए. ऑर्डर ऑफ डेट. तो जनरल बुक के अंदर जिस डेट से ट्रांजेक्शन होता है, जैसे कि अगस्त की बात करें तो अगस्त 1 का ट्रांजेक्शन पहले रिकॉर्ड होता है, फिर अगस्त 2 का ट्रांजेक्शन, फिर अगस्त 3 का. तो डेट वाइज जनरल बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं. नरेशन. सर नरेशन क्या है? नरेशन मतलब जैसे आप जनरल एंट्री खत्म करते हो वो ट्रांजेक्शन का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन वो नरेशन में लिखना होता है, और इस तरह से हम क्या बोलते हैं जनरल बनाते हैं. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ जनरल. जनरल के सिग्निफिकेंस क्या है? ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, डिटेल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर द फ्यूचर, इट इज इजी फॉर पोस्टिंग, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड एररलेस अकाउंटिंग. इस तरह से होता है. अब मैंने बहुत सारी इतनी कथा वार्ता की, आप बोर हो गए होंगे, सर ये इतनी लंबी चौड़ी कथा वार्ता की यार कुछ इतना समझ में नहीं आया, कुछ प्रैक्टिकली बताओ प्रैक्टिकली जनरल क्या है. तो चलो मैं अब आपको प्रैक्टिकली जनरल क्या है ये बताता हूँ बोर्ड पे ड्रॉ करके, क्योंकि आपको तो उसी में मतलब मजा आता है. सर ऐसे कुछ ड्रॉ करो, कुछ सिखाओ तो हमें मजा आता है. तो वो अब जनरल क्या है तो ड्रॉ करता हूँ. लेट मी चेक भाई कितना मिनट्स इसमें बाकी है. आई थिंक हार्डली एक आध मिनट ही बाकी है. मेरे में 39.22 दिखा रहा है. तो जो होस्ट है उसको, होस्ट कौन है? लेट मी चेक हु इज द होस्ट. सागर चल तू मीटिंग लैब कर, मैं वापस हम ज्वाइन करते हैं, फिर जनरल के बारे में समझाते हैं. सागर चल मीटिंग लैब कर बेटा.